My name is Jyoti Mamoria. Welcome to my YouTube channel English with Delight. In this video, I am going to explain the poem The Solitary Reaper. जो सॉलिटरी रिपर ये पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ टाइम है वो 1772-1850. विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट है. रोमांटिक पोइट की स्टार्टिंग ही विलियम वर्ड्सवर्थ से हुई है, मतलब रोमांटिक एज की शुरुआत विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ हुई थी. जो हमारी पोएम है एक बैलेड है. बैलेड क्या होता है? बैलेड इज अ पोएम और सॉन्ग विच टेल अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजर्स. मतलब बैलेड होता है एक पोएम होती है या एक सॉन्ग होता है जो कि एक स्टोरी को बताता है. जो जब इन 1803 के अंदर जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और इनके सिस्टर डॉरोथी के साथ वो स्कॉटलैंड जाते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक गर्ल है जो इतना स्वीट सॉन्ग गा रही है. उस सॉन्ग को देख के वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनके मन में छा जाता है. मतलब वो सॉन्ग होता है, मतलब उनको पता नहीं होता वो क्या गा रही है पर इतना स्वीट गा रही होती है तो उनको बहुत अट्रैक्ट कर जाता है. और बाद में इन्होंने ये पोएम लिखी थी और ये पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1807 के अंदर. इस पोएम के अंदर जो पोएट ने उस लेडी को जो जब वो 1803 के अंदर अपनी सिस्टर के साथ गए थे तब देखा था, वो लेडी एक सॉलिटरी रिपर थी. मतलब अकेली अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर रही थी. तो उन्होंने देखा कि तब कितना स्वीट सॉन्ग आ रही है, वही इन्होंने उस लेडी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. और ये जो पोएम है वो आम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है. आइए हम हमारे पोएम डिस्कस करते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाइलैंड लास. बिहोल्ड हर मीन्स देखो, लुक एट हर मतलब उसे देखो. सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में सिंगल है, अकेली है. यॉन सॉलिटरी हाइलैंड लास, यॉन मीन्स होता है यॉन्डर, वहां. सॉलिटरी मतलब अलोन, अकेली. हाईलैंड लैस, लैस होता है गर्ल, हाईलैंड मतलब पहाड़ी लड़की. देखो वहाँ एक अकेली पहाड़ी लड़की है. राइपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, खुद हार्वेस्ट कर रही है, क्रॉप्स को काट रही है और गाना गा रही है. मतलब हरसेल्फ खुद में गाना गा रही है. स्टॉप हेयर और जेंटली पास, या तो यहाँ पे स्टॉप रुको या उसको सुनो या फिर जेंटली चुपचाप यहाँ से चले जाओ. क्योंकि यह पॉइंट नहीं चाहते कि कोई भी जो ट्रैवलर वगैरह है जो वहाँ से गुजर रहे हैं वो उस लेडी को, उस गर्ल को डिस्टर्ब करे गाना गाते हुए. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली ही कट कर रही है, काट रही है और बाइंड्स मतलब बांध रही है अपनी क्रॉप को, अनाज को बांध रही है. एंड सिंग्स एंड मेलनकॉली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सॉन्ग. और वो एक मेलनकॉली, एक उदास भरा, दुख भरा, सैड सॉन्ग, मतलब सैड सॉन्ग गा रही है. ओह लिसन फॉर द वेल परफॉर्म इज ओवरफ्लोइंग विद साउंड. ओह लिसन, सुनो. जो वेल, वेल मींस वैली, जो घाटी है वो उसकी उसकी साउंड से, उस जो लड़की वो गाना गा रही है उसकी साउंड से ओवरफ्लोइंग मतलब गूंज रही है, इकोइंग हो रहा है. मतलब उसकी जो आवाज़ है पूरे घाटी के अंदर गूंज रही है. तो यहाँ इस स्टैंजा के अंदर पॉइंट ने बताया है कि वो लड़की है, उस मतलब जो फील्ड है उसका, उसमें अकेली, वो अकेली काट रही है और अपने क्रॉप्स को बांध रही है और वो एक मेलनकॉली सॉन्ग गा रही है, एक दुख भरा गाना गा रही है. आइए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं. नो नाइटिंगेल दिस आवर चॉइस मोर वेलकम नोज टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन द सन शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स. No night angle did our chant. मतलब किसी भी night angle में, night angle है a type of bird, एक तरह का पक्षी होता है जो बहुत sweet गाता है, बहुत अच्छा गाता है. तो उसमें भी कभी ऐसा चौट नहीं करता, chirping. चौट में सुना है chirping, मतलब जो birds होती है chirping करती है, चहचहाती है. मतलब इतना सुंदर तो कभी night angle ने भी नहीं गाया. For welcome not to weary bands of traveling some shady haunts among Arabian sands. जो अरेबियन सैंड्स के, मतलब जो अरेबियन डेजर्ट है वहाँ पे जो ट्रैवलर्स आते हैं वो वेरी मैंस होता है थके हुए जो ट्रैवलर्स होते हैं वो थक जाते हैं. तो वो एक शेडी मतलब छायादार जगह के अंदर वो आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं. तो उनका यहाँ पे वेलकम है, मतलब यहाँ पे वो आराम कर सकते हैं, इतना स्वीट वो गा रही है. अ सॉन्ग सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड. थ्रिलिंग मतलब होता है बेचैन करने वाला, मतलब कि आवाज़ एकदम बेचैन कर देती है और ऐसी आवाज़ कभी सुनी नहीं है.
इज स्प्रिंग टाइम फॉर कुको बर्ड। जो स्प्रिंग टाइम के अंदर बसंत ऋतु होती है, तब जो कुको बर्ड होता है, मतलब ये भी एक टाइप का पक्षी होता है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, एक तरह का पक्षी होता है जो बहुत सुंदर गाता है, वो क्या करता है, जो सीज के सी है, समुद्र का जो साइलेंस है उसको तोड़ता है, मतलब उसके आसपास जो, देखिए अब अमंग द फादर्स हर्बिडीज, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसका मतलब होता है स्कॉटलैंड में एक जो आइलैंड का एक ग्रुप है वहाँ पे, मतलब चारों तरफ शांति रहती, तो उसके साइलेंस को तोड़ता है कुकू बर्ड। तो इतनी सुंदर आवाज है कि कुकू बर्ड की भी नहीं है, जो उस लेडी की है, जो लेडी इतना स्वीट गा रही है, इतना अच्छा गा रही है। और यहाँ पे पॉट कह रहे हैं कि ऐसे तो कभी नाइट एंगल ने भी नहीं गाया हो, जो नाइट एंगल एक बहुत, मतलब वो फेमस है इसलिए कि बहुत अच्छा गाती हो, इसलिए ऐसा तो नाइट एंगल ने भी नहीं गाया होगा। Will no one tell me what she sing? Perhaps the plaintive numbers flow. मतलब कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है, कि कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। Perhaps the plaintive number of flow. अब यहाँ पे वो सोचते हैं, Perhaps मतलब शायद वो एक दुख भरा, plaintive मतलब दुख भरा गाना गा रही है, song गा रही है। For old unhappy far off things. या तो कोई पुराना unhappy मतलब दुख वाला, far off things या कोई दूर का, and battle along ago या फिर कोई पुरानी battle, पुरानी लड़ाई के गीत गा रही है वो, या तो किसी कोई दुख भरा गाना गा रही है या फिर किसी लड़ाई के बारे में गा रही है। पोएट को यहाँ पे नहीं पता कि वो क्या गा रही है, क्योंकि यहाँ वो स्कॉटिश, उनकी उसकी जो लैंग्वेज थी लेडी की, जो स्कॉटलैंड की थी, तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो स्कॉटिश थी, तो पोएट को नहीं पता कि वो क्या गा रही है। Or is it some more humble? या तो कोई humble, humble मतलब ordinary song गा रही है, या तो कोई वो ordinary song गा रही है, normal सा सामान्य सा song गा रही है, family matter of today, या तो आज का कोई अपना family matter गा रही है वो, some natural sorrow, या फिर कोई natural sorrow मतलब कोई प्राकृतिक दुख, मतलब कोई नेचुरल सोरो, कोई दुख गा रही है, लॉस, कोई खोया हुआ या कोई दर्द भरा गाना गा रही है। That has been, या तो हो चुका या फिर से होगा, maybe again या फिर से होगा, मतलब देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे सोच रहे हैं कि पॉइंट को यहाँ पे नहीं पता कि वो क्या गा रही है, या तो वो पेंसिटिव मतलब कोई दुख भरा गाना गा रही है, अनहैप्पी ओल्ड सॉन्ग गा रही है, या फिर किसी बैटल के बारे में, किसी लड़ाई के बारे में गा रही है, या फिर यहाँ पे सोचते हैं शायद वो कोई नॉर्मल सा हम्बल सा ऑर्डिनरी सॉन्ग गा रही है, या फिर अपना फैमिली मैटर गा रही है, या फिर कोई पुरानी खोई हुई चीज के बारे में गा रही है, या फिर या ये चीज हो जो गा रही, या तो हो चुकी या फिर मे बी अगेन, या फिर से होगी, अगेन होगी। व्हाट अबाउट द थीम द मेरियन सॉन्ग, जो भी थीम हो, जो मैरियन सॉन्ग है, जो वो गर्ल है वो गा रही है, वो कुछ भी थीम होगी उसकी, वॉट एवर, As if her song could have no ending. इस song का कोई end नहीं है, इतना sweet हो गा रही है, इसकी ending ही नहीं है। I saw her singing at her work. मैं देख रहा हूँ कि वो गाना गा रही है, अपना काम करती हुई वो गाना गा रही है, वो गा रही है। And over the sickle bending. Sickle एक होता है मतलब जिसे crop cut करते हैं, उसका वो tool होता है एक तरह का, ये bending मतलब झुक रही है, और जब जब वो काटने के लिए झुकती है तब ये गाना गाती है, ये सॉन्ग गा रही है वो। और लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं सुनता हूँ और मोशनलेस हूँ, स्थिर हूँ मैं, मतलब कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं, पॉइंट उसी उसको सुन रहे वो, एंड स्टिल अभी भी, एंड एज आई वांटेड अप द हिल, अब उनको जाना तो है ही, तो वो हिल पे चल रहे हैं वो पहाड़ी पे चल रहे हैं आगे। द म्यूजिक इज मे माई हार्ट एंड वॉर, जो ये म्यूजिक है मेरे दिल में बस गया है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ट नो मोर, मैंने ऐसा लॉन्ग आफ्टर बहुत पहले बहुत बाद में भी नहीं सुना, कभी पॉइंट ने ऐसा सॉन्ग दोबारा नहीं सुना। इन शॉर्ट पॉइंट, यहाँ पे जब वो स्कॉटलैंड गए थे तब उन्होंने क्या देखा, उस जो सॉलिटरी रिपर थी वो अकेली लड़की थी, फसल काटने वाली लड़की थी, वो गाना गा रही थी जो कि बहुत ही स्वीट था। और यहाँ पे वो एज कंपेयर कर रहे नाइट एंगल से, कि नाइट एंगल ने और कुकू बर्ड है उसने भी कभी ऐसा नहीं गाया होगा।
अब यहाँ पे वो सोचते हैं कि शायद वो अब दुख भरा गाना होगा या किसी बैटल के बारे में गा रही होगी या कोई नॉर्मल सा गाना हम्बल ले मतलब ऑर्डिनरी सॉन्ग गा रही है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जो वो कैसे कब कब गा रही है, जब वो बैंडिंग मतलब झुकती है सकल करने के लिए मतलब अपनी क्रॉप को कट करने के लिए जब वो झुकती है तब ये गाना गाती है, जो वो वर्क करती है तभी गाना गा रही है। अब जो वो पॉइंट है मोशनलेस हो गए यहाँ पे कि वो उनको वो आगे जा नहीं पा रहे, वो उसको सुन रहे हैं, जो वो लेडी है जो गर्ल है वो गाना गा रही है उसको सुन रहे हैं। अब यहाँ पे वो आगे जाते हैं पर वो जो उसका जो म्यूजिक है जो वो गाना गुनगुना रही थी वो गर्ल वो उनके मन में बस गया है और ऐसा पॉइंट ने कभी भी लास्ट बार में नहीं सुना, ऐसा गाना दोबारा पॉइंट ने कभी नहीं सुना। इस पोएम के अंदर पॉइंट ने यही कहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।